भारत के अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मोदी सरकार का भयंकर तोहफा। तो उधर चंद्रयान 4 को लेकर भी जबरदस्त अपडेट आ गई लॉन्चिंग डेट। अब ताबड़तोड़ तरीके से भारत अंतरिक्ष में दुनिया की दिखाएगा ताकत। मोदी सरकार पहले से ही तकनीकियों को लेकर बेहद एक्टिव मोड में काम कर रही थी, चाहे वो तकनीक अंतरिक्ष की हो या फिर हथियारों की। सरकार का मकसद है कि भारत तकनीकी के मामले में इतना मजबूत हो जाए कि फिर दुनिया का कोई भी देश भारत को आंख न दिखा सके। अंतरिक्ष को लेकर भारत का तगड़ा प्लान है, क्योंकि दुश्मन चीन भारत और अमेरिका को अंतरिक्ष में भी घेरने की प्लानिंग है। आज के वक्त में दुनिया केवल जमीन ही नहीं, आसमान और अंतरिक्ष में भी आगे जाने की होड़ में है। इसी वजह से मोदी सरकार ने इसरो के लिए तगड़ा बजट पास किया है, जबकि गगनयान मिशन में जरूरत के हिसाब से बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत गगनयान की लॉन्चिंग से पहले 4 मिशन किए जाएंगे, जबकि चंद्रयान 4 को लेकर भी डेडलाइन फिक्स कर दी गई है। तो आखिर भारत अंतरिक्ष में क्या क्या बवाल एक साथ मचाने को तैयार है, इस बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। अंतरिक्ष का गगनयान मिशन 2028 में किया जाएगा कंप्लीट। सरकार ने मिशन के लिए पास किया 20,193 करोड़ का बजट। गगनयान मिशन सरकार का बहुप्रतीक्षित मिशन है, जिसे लेकर कई बार डेट में बदलाव हो चुका है, जबकि चंद्रयान मिशन 4 को लेकर सरकार ने अब वक्त की डेडलाइन फिक्स कर दी है और जल्द ही इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। चंद्रयान 4 को लेकर क्या अपडेट है, इसे हम आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको गगनयान मिशन के बारे में बताते हैं। दरअसल गगनयान मिशन का मकसद भारत के अंतरिक्ष स्टेशन के सपने को साकार करना है। गगनयान मिशन के तहत पहली बार भारत अंतरिक्ष में मानव भेज रहा है, इसी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, और मिशन में एक बार फिर से बदलाव किया गया है, क्योंकि इसरो किसी भी कीमत पर इस मिशन को फेल नहीं होने देना चाहता है, जबकि वो अंतरिक्ष यात्रियों की जान को लेकर कोई रिस्क बाकी नहीं रखना चाहता है। बदलाव के साथ गगनयान प्रोग्राम में अब 8 मिशन शामिल किए गए हैं। इसे दिसंबर 2028 तक पूरा किया जाएगा। इस मिशन में भारत के अंतरिक्ष स्टेशन के प्रोग्राम को भी शामिल किया गया है, जबकि मिशन की लॉन्चिंग से पहले एक्यूरेसी के लिए मानव रहित विमानों की पहले लॉन्चिंग होगी। मोदी सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल के विकास को मंजूरी दे दी है, जिससे 2035 तक भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन विकसित कर पाएगा। इसके लिए तमाम हार्डवेयर की जरूरत भी होगी, जिसे ज्यादा बजट की जरूरत थी। इसी वजह से सरकार ने गगनयान प्रोग्राम का बजट बढ़ाकर 20,193 करोड़ रुपए कर दिया है। सरकार ने पहले से फिक्स बजट में 11,170 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। सरकार का ये कदम बताता है कि वो अंतरिक्ष में भारत को बढ़त दिलाने के लिए कितनी मजबूती से काम कर रही है। इस पूरे प्रोग्राम में 2026 तक गगनयान कार्यक्रम के तहत 4 मिशन पूरे होंगे, जिसके बाद BAS 1 मॉड्यूल का विकास होगा, और 2028 तक 4 और मिशन किए जाएंगे, जिसका मकसद तकनीकी का अप्रूवल और एक्यूरेसी होगी। इसरो अपने अंतरिक्ष स्टेशन के जरिए माइक्रोग्रेविटी बेस्ड रिसर्च और तकनीकी का विकास करना चाहता है, अंतरिक्ष में मानव भेजना आसान हो सके, जबकि इस पहल से अंतरिक्ष और इससे संबंधित क्षेत्रों में तकनीकी रोजगार के ताबड़तोड़ अवसर पैदा होंगे। भारत तकनीकी क्षेत्र में मजबूती के लिए युवाओं को विज्ञान और तकनीकी में स्किल्ड बनाकर हाई लेवल जॉब दिलाना चाहता है, जिससे भारत को लोगों का जीवन स्तर बदले और भारत दुनिया में विकसित देशों की कैटेगरी में आ सके, जबकि विज्ञान के विकास से वो अपनी धमक कायम कर सके। 2014 करोड़ रुपए मिशन चंद्रयान के लिए सरकार ने किया पास। 36 महीनों में इस मिशन को पूरा करने का रखा गया है लक्ष्य। मिशन चंद्रयान 4 भी भारत के लिए बहुत बड़ा मिशन है, जिसके तहत चांद की तमाम जरूरी इंफॉर्मेशन हासिल की जाएगी और शोध किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 36 महीनों का वक्त फिक्स कर दिया है, जबकि 2000 करोड़ का बजट पास किया है। चंद्रयान 4 का मिशन अपने साथ 5 मॉड्यूल लेकर जाएगा। इसमें एसेंडर मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल और रीएंट्री मॉड्यूल होंगे। हर मॉड्यूल का अलग काम होगा। सबसे खास बात यह है कि ये मिशन 2 चरणों में लॉन्च होगा। पहले इसे धरती से लॉन्च किया जाएगा, जो चांद पर लैंडिंग कर वहां चट्टानों के नमूने इकट्ठे करेगा, और फिर उसके बाद चांद की सतह से इसकी दोबारा लॉन्चिंग होगी, जो धरती पर रीएंट्री करेगा। पहली बार लॉन्चिंग के वक्त चंद्रयान 4 का कुल वजन 5,200 किलोग्राम होगा, जबकि चांद से जब यह धरती की ओर लॉन्च होगा
तब इसका वजन 1527 किलो रखा जाएगा, जिससे ये आसानी से धरती के ऑर्बिट में दाखिल हो सके। इस वक्त इसरो का सबसे बड़ा टारगेट अंतरिक्ष स्टेशन है और अपने हर मिशन में वो इसके लिए कोई ना कोई टेस्ट कर रहा है। चंद्रयान 4 में भी वो ऐसा कर रहा है। रॉकेट से अलग होने के बाद धरती की ऑर्बिट से लेकर चांद की ऑर्बिट में एंट्री तक की जिम्मेदारी प्रोपल्शन मॉड्यूल की होगी। चंद्रयान 3 के वक्त भी इस मॉड्यूल ने यही जिम्मेदारी निभाई थी। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद सभी मॉड्यूल को चांद की सतह पर पहुंचाने की जिम्मेदारी डिसेंडर मॉड्यूल निभाएगा। नमूने इकट्ठे करने के बाद एसेंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह से उड़ान भरेगा और ट्रांसफर मॉड्यूल के साथ धरती की ऑर्बिट तक पहुंचेगा। ट्रांसफर मॉड्यूल चंद्रमा से इकट्ठे किए गए नमूने वापस धरती पर ले जाने की जिम्मेदारी निभाएगा, जबकि री एंट्री मॉड्यूल चांद से लिए गए नमूने लेकर धरती पर बिना किसी दिक्कत के लैंड करने की जिम्मेदारी पूरी करेगा। इस मिशन का इरादा दक्षिणी ध्रुव के पास उतरना और चट्टान के नमूने कलेक्ट करना है, जिन्हें एनालिसिस के लिए धरती पर लाया जाएगा। यह डेटा पानी जैसे चंद्र संसाधनों को खोजने में मदद करेगा, जिससे भविष्य में चांद पर जीवन को तलाशा जा सकेगा। इसरो के कदम यहीं रुकने वाले नहीं है, वो 2040 तक भारतीयों को चंद्रमा पर भेजने वाली है। हालांकि चंद्रमा पर एक आदमी को भेजने में 15 साल का वक्त लगेगा। भारत मिशन चंद्रयान 4 को अंतरिक्ष में टुकड़ों में भेजने वाला है। इसके बाद उसे स्पेस में ही जोड़ा जाएगा, मतलब चंद्रयान 4 एक बार में लॉन्च नहीं होगा। चंद्रयान 4 के हिस्सों को 2 बार में अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद चंद्रमा की तरफ जाते हुए चंद्रयान 4 के हिस्सों को अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा। इस तकनीक का भारत को यह फायदा होगा कि इसरो अपने स्पेस स्टेशन के मिशन के लिए तैयार रहेगा, यानी स्पेस में चंद्रयान 4 और उसके पार्ट्स को जोड़कर इसरो यह तकनीक और क्षमता भी हासिल कर लेगा कि वह आने वाले वक्त में स्पेस स्टेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए चंद्रयान 4 मिशन बेहद जरूरी है। इसरो ऐसा पहली बार करने जा रहा है जिसकी सारी प्लानिंग हो चुकी है, मतलब उसे कैसे लॉन्च करेंगे, कौन सा हिस्सा कब लॉन्च होगा, इसके बाद कैसे उसे स्पेस में जोड़ा जाएगा, फिर उसे कैसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा, कौन सा हिस्सा वहीं रहेगा, कौन सा हिस्सा सैंपल लेकर वापस भारत लौटेगा। इस मिशन की लॉन्चिंग अलग अलग हिस्सों में करने की वजह यह भी है कि हमारे पास अभी उतना ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 4 को एक बार में लॉन्च कर सके, जबकि हमारे पास डॉकिंग यानी स्पेसक्राफ्ट के हिस्सों को जोड़ने की तकनीक है। यह काम हम धरती के अंतरिक्ष या फिर चंद्रमा के अंतरिक्ष दोनों जगहों पर कर सकते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर भी और चंद्रमा के ऊपर भी। इस तकनीक को और ताकतवर बनाने के लिए इसरो इस साल के आखिरी तक एस्पेडेक्स मिशन भेजेगा। अंतरिक्षयान के हिस्सों को स्पेस में ही जोड़ने का काम पहले भी इसरो कर चुका है। चंद्रयान के अलग अलग मिशन में दुनिया ये देख चुकी है, जब एक स्पेसक्राफ्ट के कुछ हिस्सों का चंद्रमा पर उतारा गया जबकि एक हिस्सा चांद के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा। इस बार उन्हें जोड़ने का काम किया जाएगा और इस बार धरती की ऑर्बिट में चंद्रयान 4 के 2 मॉड्यूल्स को जोड़ा जाएगा। ये तकनीक बेहद खास है जो अंतरिक्ष में भारत की मजबूती को दिखाएगी। तो दोस्तों, चंद्रयान 4 और गगनयान मिशन पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं।